नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल घरेलू नुस्खे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एक ही रात में बालों को काले लंबे बनाने वाला तेल आज तक नहीं लगाया होगा। दोस्तों बालों को लंबे करने के लिए आपने बहुत सारी रेमेडी का यूज तो किया होगा, लेकिन फायदा नहीं हुआ होगा, क्योंकि जब तक बालों को सही खुराक नहीं मिलेगी तो बालों को काले लंबे बना पाना किसी पहाड़ पर चढ़ने के समान है। और बालों में अगर रूसी, डैंड्रफ या हेयर फॉल की प्रॉब्लम है तो फिर बालों को लंबे कर पाना दिमाग से बाहर हो जाता है। लेकिन आज का यह नुस्खा इतना हेल्दी है कि बालों की हर जरूरत को पूरा करके उनको लंबे ही लंबे करेगा और बालों को काले भी बनाएगा। लेकिन यह तब होगा जब आप पूरी वीडियो को देख लेंगे। तो अगर आप भी बाल काले लंबे करना चाहते हैं तो देखते रहिए इस वीडियो को। चलिए नुस्खा शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी कर दें और नए व्यूवर्स ब्लैक कलर के सब्सक्राइब बटन पर भी क्लिक कर दें और घंटी के निशान को भी दबा दें ताकि आपको मेरी नई वीडियो सबसे पहले देखने को मिल सके। दोस्तों इस नुस्खे को करने के लिए आपको सबसे पहली चीज फ्लैक्स सीड को लेना है। दोस्तों फ्लैक्स सीड को अलसी के बीज भी कहते हैं। यह विटामिन ई से भरपूर है और विटामिन ई आपके बालों को नेचुरल रूप से, यह किसी बड़ी बात से कम नहीं, क्योंकि केमिकल का यूज हेयर ग्रोथ को खत्म कर देता है और विटामिन ई आपके बालों को लंबे करता है। इसके साथ ही उन्हें ताकतवर भी बनाकर हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है, हेयर की खराब हालत को भी रिपेयर करके उन्हें हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाता है। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट आपने राइस, जिसको हम चावल कहते हैं, तो उसका यूज करना है। दोस्तों चावल बालों को डैमेज होने से रोकता है, हेयर को स्मूदी और शाइनी भी बनाता है, क्योंकि बालों का स्मूदी और शाइनी होना बालों को झड़ने से रोकता है। और चावलों से मिलने वाला स्टार्च बालों की फास्ट ग्रोथ में हेल्प करता है ताकि बाल सुंदर बनने के साथ साथ लंबे भी बन पाए बिना किसी समस्या के। दोस्तों अगला इंग्रेडिएंट आपने ऑनियन का यूज करना है। दोस्तों प्याज को केवल खाने के लिए ही फायदेमंद नहीं होता, इससे मिलने वाला फायदा हेयर ग्रोथ को भी फास्ट करने का काम करता है, साथ ही बाल काले भी बने रहते हैं और हेयर रूट से भी काले बालों की ग्रोथ तेज होती है, जिससे आपके बाल हमेशा के लिए लंबे बने रहते हैं। और इसके साथ ही अगला इंग्रेडिएंट आपको कैस्टर ऑयल का यूज करना है। दोस्तों अभी इस नुस्खे को बनाने के लिए आप एक पैन में एक गिलास पानी डाल दें और अब इसमें 2 से 3 चम्मच कच्चे चावल पानी से धोकर वो भी इस पैन में डाल दें और उसके बाद पैन में 2 चम्मच फ्लैक्स सीड लेकर उन्हें हल्का क्रश करके वो भी पैन में डाल दें और इन्हें लो फ्लेम पर पकाएं। 15 मिनट पकाने के बाद गैस को बंद करके इसे ठंडा होने दें और जब यह ठंडा हो जाए तो इसे छान लें और अलग कर लें। अब इस पानी में आप एक प्याज को क्रश करके उसका रस इस पेस्ट में मिक्स कर लें पानी में, और 2 चम्मच कैस्टर ऑयल भी इसमें मिलाकर इन चीजों को अच्छी प्रकार से मिक्स करके इसे अपने बालों में लगाकर मसाज कर लें। वीक में 2 बार ऐसा करने से यह नुस्खा आपको लंबे काले बाल देगा और बालों का लंबे होना कभी भी नहीं रुकेगा। इस तरह आप अपने बालों को लंबे बनाने के साथ साथ काले भी बना पाएंगे और इस अमेजिंग ऑयल से आपके बाल लगातार लंबे ही लंबे होते चले जाएंगे। तो दोस्तों ये था आज का नुस्खा, कल फिर मैं कुछ नए नुस्खे कुछ नए उपाय लेकर आऊंगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।